जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मीर एकेडमी एंड दिस इज हमजा मी। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग राइट हियर ऑन द स्क्रीन। इससे पहले आप लोगों ने कई डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है वो देखा होगा कि आई हैव बीन प्लानिंग द वीडियोस फॉर माय चैनल, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है अभी तक, जिसमें वी हैव मेड द वीडियोस मेनली रिलेटेड विद द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ ओ लेवल्स। और टुडे वी आर कमिंग विद द न्यू टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द पार्टीशन एंड रिवर्सल ऑफ बंगाल। और आज लाइव आने का इसका रीज़न जो है वो ये है कि एक थोड़ा सा डिफरेंट मोड जो है उस पर आया जाए, बिकॉज वी बीन डूइंग दैट ऑन पावर पॉइंट बिफोर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। अब फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह जा रहे हैं लाइव फॉर द यूट्यूब। सो आज का जो टॉपिक है पार्टीशन और रिवर्सल ऑफ बंगाल का, उसके लिए आई हैव इनवाइटेड टू गेस्ट ओवर हियर। दीज टू आर बेसिकली माई ओल्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम बीकन हाउस, जिनमें से एक जो है दैट इज हबीबा एंड द सेकेंड पर्सन इज सारिया। इनका थोड़ा सा जो है वो मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ। आई वेलकम दैम एक्चुअली ओवर हियर टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, ताकि हम अपने व्यूज को जो है जो हमारे देखने वाले हैं चैनल्स को उनको जो है हम लोग ये व्यूशिप जो है वो दिखा सकें और अपने टॉपिक को कन्वे कर सकें टू द पब्लिक। सो जो मेरे दो गेस्ट हैं उनमें से हबीबा और सारिया जो हैं, दे आर द वन फ्रॉम बीकन हाउस, और जो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे ओल्ड स्कूल में व्हेन आई वाज देयर इन स्कूल। सो इनकी कुछ पार्टिसिपेशंस रही हैं स्कूल में, इन्होंने एज अ स्टूडेंट जो है डिफरेंट कोकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी किया, जिसके अंदर दे परफॉर्म्ड इन द मिसाल ड्रामा कैटेगरी, वेयर दे वर बेसिकली हबीबा वाज वन ऑफ देम हु गॉट द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। एंड जेटी मेडले का एक प्ले हुआ था जौहर टाउन कैंपस के अंदर, वहां पे दे पार्टिसिपेटेड। उसके अलावा वसल 20 के अंदर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में जो है वो दे वर द विनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एम आई ऑडिबल हबीबा एंड सारिया? यस सर। जी, हाउ आर यू बोथ ऑफ यू? वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था आप लोगों को पहले भी, कि यू बीन माई स्टूडेंट्स देयर इन द बीकन हाउस बिफोर, और आज आप लोगों को जो है यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो है वो कॉल किया है, दैट इज द पार्टीशन एंड रिवर्सल ऑफ बंगाल। और आप दोनों रहे हैं 9 सीज के अंदर ऑलरेडी। सो व्यूअर्स के लिए अगर हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करें, तो अगर इंट्रोडक्शन से हम इसको स्टार्ट करें इस टॉपिक को, जो कि मैं पता है कि हमारे 9C का एक बड़ा प्रोमिनेंट टॉपिक है ये पार्टीशन और रिवर्सल का, तो अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बीबा, तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि क्या आपके व्यूज हैं इसके बारे में, जो आपने 9Cs के अंदर स्टडी भी किया इंट्रोडक्शन को पार्टीशन ऑफ बंगाल के, सो फ्रॉम वेयर यू वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट? Sir, I'd like to start with that. Bengal was the largest province of the subcontinent. About 85 million population of India lived there, with 54 million Hindus and 42 million Muslims in the eastern Bengal, where they were in the majority. So it was becoming increasingly difficult for one governor to administer such a large province. So that was mainly a geographical factor for the division partition of Bengal. या राइट और हम अगर थोड़ा सा इसको मजीद इंट्रोड्यूस करें, तो इफ यू पीपल रिमेम्बर दैट कि लॉर्ड कर्जन वाज फर्स्ट पर्सन जो कि ही बिकेम द वॉइस रॉय एट दैट टाइम, और जो सबसे पहला प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था ब्रिटिश को, लॉर्ड कर्जन को मेनली एट दैट टाइम, दैट वाज टू डील विद द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और जिस तरह भी हबीबा आपने बताया कि द टोटल पॉपुलेशन ओवर देयर वॉज मोर देन 80 मिलियन, दैट वॉज ऑलमोस्ट 84 मिलियन पॉपुलेशन, 54 मिलियन हिंदूज थे वहाँ पे और बाकी 33-34 मिलियन पीपल जो थे वो देवर मुस्लिम्स, सो देवर लिविंग ओवर देयर। तो क्या उन्होंने आगे स्ट्रेटजीज क्या क्रिएट की, अगर हम इंट्रोडक्टरी बात करते हैं जो ये प्लान दिया गया, तो हमारा जो मेजर क्वेश्चन आता है यूजली जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो स्टूडेंट से यूजली पास पेपर्स में भी पूछा जाता है, दैट इज दैट वाई बेसिकली दिस प्रोविंस वॉज पार्टीशन, बंगाल को पार्टीशन किया क्यों गया था,
एक तो ये बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, और दूसरा कि उसको बाद में फिर रिवर्स क्यों कर दिया गया जब पार्टीशन की गई थी 1905 के अंदर, तो लेटर ऑन व्हाइट बेसिकली रिवर्स्ड। सो अगर मैं आपसे रीजंस की बात करूं कि व्हाई बेसिकली पार्टीशन वाज डन और व्हाई इट वाज बीन डन बाय द ब्रिटिश, तो कौन कौन से रीजंस हैं जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, या हम बता सकते हैं इसके आंसर्स भी पार्टीशन के, तो उस पे अभी आप क्या कहना चाहोगे? देन आई शिफ्ट टुवर्ड्स आर्या एज वेल, थोड़ा सा उनका भी इनपुट लेंगे इसके ऊपर। To elaborate on the part that administration was becoming increasingly difficult, there are some factors such as the collection of taxes, the law and order situation that was so difficult to handle for one governor, and yes, increasing crime rate. Moreover, there was another factor that was in emergency situations such as cyclones and typhoons that were very usual in Bengal, hitting constantly every year, twice. And that's why. So it was difficult for the authorities to provide aid and rehabilitation to the refugees, etc. So that for the purpose of administrating the province better, it was partitioned. या दैट वाज राइट, दैट वाज करेक्ट। एक्चुअली अगर हम उसके पहली सबसे पहली रीजंस को डिस्कस करें तो एज अबीबा सेड दैट के जो मेजर था, बिकॉज इट वाज टू वास्ट प्रोविंस टू गवर्न बाय बाय अ सिंगल गवर्नर, तो कुछ चीजें थी जो ब्रिटिश जो थे दे वर अनेबल टू हैंडल दैट। तो इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम कंटिन्यू करें सारे, मैं आपकी तरफ अगर आऊँ कि पार्टीशन जो थी बंगाल की, जैसा अभी अबीबा ने बताया कि मेजर रीजन जो पहला था, जो हमारा कुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ आर आंसर एज वेल, दैट कुड बी दैट वाज टू वास्ट, इमरजेंसी इश्यूज थे कि इमरजेंसी सिनारियो में हैंडल करना मुश्किल था, टैक्स कलेक्शन वाज वन इशू, देन सम अदर रीजंस एज वेल दैट शी पोर्ट्रेड ओवर हियर। इसी तरह से अगर हम फर्दर बाकी दो पैराग्राफ्स की भी बात करें, बाकी रीजंस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द सेकंड रीजन फॉर द बंगाल टू बी पार्टीशन? Okay, so the second reason is that West Bengal, which had the majority of Hindus, was well developed and was prosperous. On the other hand, if we talk about East Bengal, people there were living in poverty and they were very illiterate. So, in order to remove this economic disparity, British decided to divide Bengal into two wings. ओके राइट। थोड़ा सा हम बीच में जो है वो एक चीज और यहाँ पे मेंशन करते चलें कि जिस तरह हमने पहले पॉइंट ऑफ व्यू में अपने जो है वो पैरा किया था कि जो पॉपुलेशन थी दोनों की वो डिफर कर रही थी बेसिकली, और इसको जो डिवाइड किया गया था वो ईस्ट और वेस्ट में जो है वो डिवाइड किया गया था। तो जो हमारी वेस्टर्न साइड थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज मेनली बाय द हिंदूज व्हिच वर बेसिकली 54 मिलियन पॉपुलेशन ओवर देयर, ऐसा ही है। और उसके बाद जो मुस्लिम्स थे वो ईस्टर्न बंगाल के पोर्शन में थे, जो कि आपकी 33 के करीब पॉपुलेशन जो है वो बनती थी, 30-33 के करीब पॉपुलेशन मिलियंस में बनती थी। तो मेजरली हबीबा, अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम कंटिन्यू करें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कंटिन्यू करें, तो क्या मेजर डिफरेंसेस क्या थे मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान में? इकोनॉमिकली क्या ऐसा डिफरेंस था जिसकी वजह से वो रिमूव करने के लिए ब्रिटिश को ये स्टेप लेना पड़ा? सर एक्चुअली जो हिंदूज थे वो इंजॉय कर रहे थे मोनोपोली ओवर ट्रेड पॉलिटिक्स एंड एजुकेशनल फैक्टर्स एंड दे वर प्रॉस्पेरिंग वेल एज कम्पेयर टू द मुस्लिम्स हु वर वेरी डाउन ट्रोडन एंड इन अ मिजरेबल कंडीशन लिविंग ओवर देयर तो विद इंक्रीजिंगली गुड रिलेशंस विद द ब्रिटिश बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम देयर रिलेशंस सो इट वाज थॉट टू डिवाइड बंगाल ऑन कम्युनल लाइंस So that a Hindu majority कम्युनलाइज would be या created, yes, in West Bengal and Muslims would be जी able to जी prosper well in the eastern part. जी दे अभी बार यू बेसिकली यूज द राइट वर्ड कम्युनल लाइंस, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो मुस्लिम्स बेसिकली उस टाइम पे, अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं वहां पे, तो दे वर बेसिकली लेस एजुकेटेड एज वेल। मुस्लिम्स ने जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को जो है वो निग्लेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, और उसी की वजह से दे वर अनेबल टू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर एज वेल। पे एक इन्फ्लुएंस भी था वहां पे हिंदूज का मुस्लिम्स के ऊपर। तो इकोनॉमिकली जो एक ईस्टर्न साइड थी बंगाल की, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही बात करूं, तो वो इकोनॉमिकली इतने डेवलप्ड नहीं थी।
राइट, जिसकी वजह से ब्रिटिश को ये लगता था कि दोनों में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, उसको रिमूव करना चाहिए, जो कि वी कैन से दैट बिकेम द सेकेंड रीजन फॉर द बंगाल टू बी पार्टीशन, दैट बिकेम द इकोनॉमिक रीजन। तो ये तो दो पॉइंट्स हैं, हम अपने व्यूज को यहाँ पे ये चीज कहेंगे कि ये दो पॉइंट्स जो हैं, जैसा पहले कि इट वाज टू वास्ट टू गवर्न, और सेकेंडली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का एक प्रॉब्लम था जो पार्टीशन के अंदर आता है, इसी तरह से हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ अगर हम चलें अपने पार्टीशन के, तो एक और भी रीजन था जिसकी वजह से जो है वो बंगाल को पार्टीशन किया गया था। तो मैं सारे यहाँ पे आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि व्हाट कुड बी द थर्ड रीजन, बिकॉज एक और भी रीजन था जिसकी वजह से पार्टीशन की गई थी बंगाल की बाय ब्रिटिश। Okay, so the Hindus were demanding self-rule and revolutionary activities were growing. So in order to divert the attention of Hindus towards a new issue, Lord Curzon cleverly decided to partition Bengal. I think that was a clever tactic that British opted for. ओके यू आर राइट। अभी आप इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहोगे सेम, बिकॉज जैसा अभी सारे ने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है थर्ड का, जो उनका मेजर हाईलाइट बन रहा है थर्ड पॉइंट का, दैट वाज बेसिकली टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द कांग्रेस। तो क्या रीजन थी वो, बेसिकली उन्होंने किस चीज के ऊपर अटेंशन को डाइवर्ट किया, और व्हाई बेसिकली दे डिड दैट? There were revolutionary activities increasing across the subcontinent, and orators such as Bal Gangadhar Tilak, they were delivering provoking speeches and gaining audience against the British. So, and demanding for self-rule actually. So that was the purpose. The British wanted to divert their attention towards a new issue, and this new issue was, of course, the partition of Bengal, so that for some time being. Yes, they are distracted from their demand of self-rule, and there is increasing peace in the subcontinent. However, that didn't prevail, how it was thought, as it was thought by the British. या दैट इज ट्रू। बेसिकली जब भी कोई एक न्यू इशू, जब कोई एक इशू किसी किस्म का जो है वो प्रिवेल होता है, तो एक कोई सर्टन सेकंड इशू क्रिएट कर देना आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है। तो मेजरली हम यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे बात कर सकते हैं कि जो थर्ड रीजन था पार्टीशन का, दैट कुड बी टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द आईएनसी टुवर्ड्स अ न्यू इशू, बिकॉज जैसा अभी आपने नाम लिया बाल गंगाधर तिलक का, वाज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट इन द हिंदूज, जो कि प्रोवोक कर रहा था पब्लिक को ब्रिटिश के अगेंस्ट, ताकि वो अपनी आवाज उठाएं, प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जस्ट व्हेन दे क्रिएटेड दिस पार्टीशन, व्हेन दे डिड दैट पार्टीशन एंड मेड टू डिफरेंट प्रोविंसेस, तो एक नया इशू जो है वो रेज हुआ, जिसकी वजह से देयर अटेंशन मेनली डाइवर्टेड फ्रॉम दैट प्रोटेस्ट टू अ न्यू थिंग। यहाँ तक तो हो गया हमारे पार्टीशन की बात, कि हम जब बात करते हैं कि जी पार्टीशन की क्यों गई, तो आई गेस वी आर वेरी मच क्लियर विद आवर पॉइंट्स, दैट के पहला हमने कहा कि इट वाज टू वास्ट टू गवर्न, इमरजेंसी सिनेरियोस को हमने डिस्कस किया, टैक्स कलेक्शन को हमने डिस्कस किया, नंबर टू हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, जो मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान एक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन थी, फिर हमने डिस्कस किया कि जो उनकी अटेंशन डाइवर्ट की गई। तो मेरे ख्याल से ये तीन पॉइंट्स से बनते हैं हमारे यहाँ पे बंगाल की पार्टीशन के। अगर हम ये तीन पॉइंट्स ऐड करते हैं, तीन पैराग्राफ्स ऐड करते हैं 7 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ टू गेट अ बेटर मार्क्स। अच्छा, यहाँ से हम चलते हैं, हम आगे के पार्टीशन तो हो गया, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि उसके ऊपर फिर व्यू पॉइंट क्या था, मुस्लिम्स के क्या व्यूज थे और हिंदूज के क्या व्यूज थे, तो अगर मैं सारे आपसे यहाँ पे पूछूं कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ मुस्लिम्स एट दैट टाइम, कि पार्टीशन के ऊपर फिर मुस्लिम्स के ऐसे क्या व्यूज थे, वर दे हैप्पी विद इट, उनका क्या रिएक्शन था? Okay, so the Muslims were finally out of the influence of Hindus, so they were enjoying this. And it was a great opportunity for Muslims as they had more job opportunities. And now, economy-wise, they were prevailing. So it was a good opportunity for Muslims. दैट इज ट्रू, बिकॉज दे केम आउट ऑफ द ऑप्रेशन। यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेनली इन्फ्लुएंस था एक हिंदूज का मुस्लिम्स के ऊपर, जो कि जब पार्टीशन हुई और एक नया प्रोविंस बना जहाँ पे मुस्लिम्स बिकेम द मेजोरिटी सडनली, तो वो ऑटोमेटिकली उनके ऑप्रेशन से तो बाहर आ गए। लेकिन हम लोगों ने अभी एक चीज डिस्कस पहले भी की है कि जैसे मुस्लिम्स वर लेस एजुकेटेड, तो
क्या यही रीजन था कि बेसिकली हिंदूज के वहां होते हुए दे वर बेसिकली नॉट गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब नाउ बेसिकली नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ द ऑप्रेशन ऑफ हिंदूज, नाउ दे आर गेटिंग दोज चांसेस. तो हबीबा आप, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो व्हाट यू वुड से अबाउट दिस वन, के मुस्लिम्स के जो रिएक्शन थे यहाँ पे, ऑब्वियसली दे वर हैप्पी विद द प्रोविंस एंड विद द न्यू प्रोविंस. तो व्हाट कुड बी द अदर रीजंस ऑफ इट, क्या और रीजंस हो सही, सकती हैं इसकी? यस. व्हेन इट वाज टुगेदर द बंगाल, द होल ऑफ द बंगाल व्हेन इट वाज टुगेदर बिफोर द पार्टीशन, तो जाहिर है वहां पे हिंदू डोमिनेशन थी. तो द मुस्लिम्स वर या डाउन ट्रॉडन आल्सो बिकॉज दिस रीजन, बिकॉज दे वर डोमिनेटिंग. तो उन्हीं की ज्यादा ऑर्डर और उन्हीं के मुताबिक सिचुएशन वहां पे चलती थी. तो दैट्स व्हाई तो मुस्लिम्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, इवन दो कि अगर वो एजुकेटेड भी हो, इंग्लिश भी उन्हें आती हो, तो इट वॉजेंट फीजिबल फॉर देम. ओके, या दैट इज ट्रू. और अगर हम यहाँ पे मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद अगर हम हिंदूज का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमें अपेरेंटली तो पार्टीशन की रीजन से साफ नजर आता है कि इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ हिंदूज, मेनली पार्टीशन मेनली थॉरली हिंदूज के फेवर में तो नहीं थी, तो क्या रिएक्शन आया था फिर यहाँ पे हिंदूज का? और अगर हम यहाँ से हम स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मैं अपने व्यूज को भी यहाँ पे बताता चलूँ कि हम मेनली दो क्वेश्चंस को इस टॉपिक के अंदर डील करते हैं. यहाँ तो 14 मार्क्स का इटसेल्फ एक क्वेश्चन आ जाता है पार्टीशन और रिवर्सल का. यहाँ पे 7 मार्क्स के दो अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं हमें कि व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन, जिसकी रीजन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. और जब हम बात करते हैं रिवर्सल की तो फिर इसी तरह से 7 मार्क्स के क्वेश्चन को भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि रिवर्सल फिर क्यों कर दिया गया था. और जब हमने पार्टीशन की बात की थी तो लेट मी क्लैरिफाई दैट कि वो 1905 का जो ईयर था जिसमें पार्टीशन की गई थी, और 1911 में जाके फिर इसका जो है वो रिवर्सल क्रिएट हुआ था. तो रिवर्सल को अब हम डिस्कस करते हैं, और रिवर्सल को हम जो है लीड करेंगे हिंदूज के व्यूज से कि उनके क्या व्यूज थे और उनके क्या रिएक्शंस आए. बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग के हिंदूज के रिएक्शन की वजह से ही जो है ब्रिटिश दे वर बीइंग फोर्स टू रिवर्स द पार्टीशन. तो अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सल के सिनारियो से कि व्हाई द पार्टीशन वाज मेनली दिस टाइम रिवर्स्ड. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन. तो अगर इस पे मैं बात करूं तो लेट मी स्टार्ट विद सार्या. फर्स्ट ऑफ ऑल सार्या, आप क्या समझते हो कि एक तो व्यू क्या था हिंदू का, कि व्हाट दे वर बेसिकली थिंकिंग, क्या रिएक्शन उन्होंने क्रिएट किया, और फिर रिवर्सल की तरफ हम इसको लीड करेंगे. So the Hindus were very unhappy with the partition, and as they thought that it's a harm towards their prestige, as they were dominating on Muslims, so they did not like the partition. So they started with Swadeshi movement, which is one of the reasons of the reversal of partition. In Swadeshi movement, they simply boycotted all the foreign goods and clothes. They gave back all the titles that they received, and then lastly, many extreme they the extreme groups also formed. So they ओके, started एक्सट्रीमिस्ट many ग्रुप्स. revolutionary activities in the subcontinent, and even the future viceroy Lord Minto was planned to assassinate, but luckily he escaped the assassination. या दैट इज ट्रू, दैट इज फाइन. एक्चुअली आपने जो है वो स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पे हाईलाइट किया था. लेट मी क्लैरिफाई दैट ओवर हियर कि इट इज वन पार्ट ऑफ द हिंदूज प्रोटेस्ट. बिकॉज एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप रिवर्सल की बात करते हो तो उसमें आपने ये चीज मेंशन करनी होती है कि जो रिएक्शन हिंदूज की तरफ से आया वो क्या था, कि बिकॉज द रिएक्शन और द प्रोटेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ हिंदूज मेनली फोर्स द ब्रिटिश टू डू सो, जिसमें से एक पॉइंट स्वदेशी मूवमेंट का था जो सारे ने भी अभी यहाँ पे डिस्कस किया. इसी पॉइंट पे मैं हबीबा आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ कि आप स्वदेशी मूवमेंट को क्या डिस्कस करते, क्या जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट वाज बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो कि अगर हमने इसको 4 मार्क के तौर पे भी अटेम्प्ट करना हो तो व्हाट कुड बी राइट. I'd certainly talk about that Swadeshi movement, which was a boycott movement. But before that, sir, can you please clarify that हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि जो पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे, दे अल्टीमेटली बिकेम द कॉजेज ऑफ द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट? या बिल्कुल इसी तरह से है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप पार्टीशन कर रहे हो और आपने किसी एक कम्युनिटी को प्लीज किया है, किसी सेकंड कम्युनिटी को आप प्लीज नहीं कर रहे, और वो भी एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी जो पॉपुलेशन है
एज कम्पेयर टू द अदर्स इज द मोर इन सब कॉन्टिनेंट. तो एक इतनी बड़ी जो है वो कम्युनिटी को जब आप जो अब उनके लिए अनप्लीजिंग है, तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल कम आउट फॉर द प्रोटेस्ट, तो वो एक मास प्रोटेस्ट मूवमेंट तो क्रिएट होगा. और डेफिनेटली वो ब्रिटिश को फेस भी करना पड़ा था इन द फॉर्म ऑफ द सर्टेन प्रोटेस्ट बाय द हिंदूज, जिसकी एक रीजन स्वदेशी मूवमेंट है. और हम डिस्कस करते हैं कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट को भी. तो अगर हम चलें इसको वायलेंट प्रोटेस्ट से भी लेकर चलें, देन हम लीड करें इसको स्वदेशी मूवमेंट की तरफ, तो हम वैसे कर लेते हैं. जी अभी Okay, so yes, the Swadeshi movement was a step towards boycotting all the British products, mainly the cotton cloth from the British factories. This really negatively impacted the British economically because their items were not being sold in the Indian markets. So this was a factor that greatly pressurized them to consider about the reversal of the partition. Yeah, that is true. Okay, Swadeshi movement basically it was kind of a boycotting the British goods. और हम यहाँ पे जिस तरह से अभी अभी बात आपने mention किया कि they started developing then their own clothes. हम उसको use करते हैं word homespun clothes के बारे में बात करते हैं ना, कि homespun clothes थे which they started wearing instead of wearing the western clothes. तो इस चीज ने भी काफी ज्यादा इकोनॉमी को थोड़ा सा डिमोरलाइज किया ब्रिटिश की, जिसका उनको ऑब्वियसली थोड़ा हिट तो किया उस चीज ने, इकोनॉमिकली उसको हिट किया इवेंचुअली. तो इस चीज ने भी लीड किया. और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इस तरह सारे ने बताए थे, मैं थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूं कि दो चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा वायलेंट प्रोटेस्ट से रिलेटेड. के वायलेंट प्रोटेस्ट में एक तो देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स व्हिच वर क्रिएटेड, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सारिया, के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्रिएट हो गए थे जिन्होंने जो है दे स्टार्टेड अटैकिंग ब्रिटिश एट दैट टाइम. और दे वर इवन गेट दे गॉट सक्सेस बाय किलिंग फ्यू ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ओवर देयर एज वेल. उनमें से एक जिस तरह सारे ने बताया कि एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट थी लॉर्ड मिंटो की, वाज अ वॉइसरॉय एट दैट टाइम, ही वाज बेसिकली नॉट बीइंग असैसिनेटेड, और वो एक फेल्ड अटेम्प्ट थी हिंदूज के साइड से. और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिस तरह बाल गंगाधर तिलक की हम बात कर रहे हैं, कि वो भी एक एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट था जिसने लोगों को जो है प्रोवोक किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट. और फिर ये स्वदेशी मूवमेंट जो है जो हमने बाद में डिस्कस की एज अ फोमा क्वेश्चन एज वेल, कि बायकॉट किया गया ब्रिटिश गुड्स का और होम्सपन क्लोज जो थे उसको जो है वो प्रेफरेंस दी गई, और इकोनॉमिकली कई गुड्स जो थी उसको नहीं खरीदा गया कंज्यूमर्स के तौर पर बिकॉज दे हैड अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन. तो वो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब आपको बायकॉट कर देती है आपकी गुड्स का, जैसे हम आप अब करंटली भी देखते हैं कि फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो रिसेंटली ये इशू भी रेज किया गया था कि फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं उनको बायकॉट कर दिया जाए उनको इकोनॉमिकली हिट करने के लिए. तो सेम थिंग हिंदूज दे डिड एट दैट टाइम. और इवेंचुअली यही चीज जो थी वो फिर ब्रिटिश को थोड़ा सा फोर्स कर रही थी कि वो अपने डिसीजन को रिवर्ट करें. बट अब यहाँ पे आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हम अपने आते हैं कि क्या इन दोनों रीजंस की वजह से रिवर्सल जो था वो स्ट्रेट अवे हो गया था, या ब्रिटिश ने कोई रेजिस्टेंस शो की थी यहाँ पे बिफोर दे मूव टुवर्ड्स रिवर्सल. तो इस पे क्या कहना चाहेंगे हबीबा आप? सर, देयर वर सम मेजर्स सच एज द 1908 एक्ट, इट वाज नोन एज द प्रेस एक्ट ऑफ कोर्स, यस. सो अकॉर्डिंग टू दैट पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी थी, एडिटर्स वर गेटिंग अरेस्टेड, पब्लिक मीटिंग्स वर बैंड. तो ये सारे मेजर्स लिए थे टू प्रिवेंट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड आल्सो कीप द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पीसफुल, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. यस, हाउएवर इट डिडंट हैपन लाइक दैट. द प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड, द वायलेंस इंटेंसिफाइड एटसेट्रा. या दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर. जी सारे आप इस पे कुछ कहना चाहोगे ब्रिटिश मैयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, कि ब्रिटिश की जो मैयर्स थी वो क्या थी बिफोर दे लीड टुवर्ड्स रिवर्सल, और कोई ऐसा पॉइंट जो आप ऐड करना चाहो यहां पे? यस, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग दैट इन द बिगनिंग ब्रिटिश आल्सो ट्राइड टू प्लीज द हिंदूज बाय इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 व्हिच आर नोन एज द मॉनुमेंट रिफॉर्म्स, बट दे वरंट एबल टू प्लीज देम एंड दे वर रिजेक्टेड बाय हिम. या राइट, ओके, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली बाय सारिया ओवर हियर, कि जिस तरह हबीबा आपने भी ऐड किया पॉइंट के उन्होंने प्रेस एक्ट जो है वो क्रिएट किया, दे बेसिकली बैन द न्यूज़पेपर्स, एडिटर्स जो थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, उनमें से इफ आई रिमेम्बर द सेम नेम द बाल गंगाधर तिलक हु वाज अ रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट जिसको 6 साल के लिए, फॉर 6 इयर्स ही वाज बीइंग इम्प्रिजन्ड.
और इसी तरह से जैसा सारे ने मेंशन किया कि बिफोर लीडिंग टुवर्ड्स द रिवर्सल उन्होंने हिंदूज को प्लीज करने की भी कोशिश की थी विद सर्टेन रिफॉर्म्स, जिसमें से एक रिफॉर्म्स जैसा हमने यहाँ पे भी मेंशन किया कि 1909 मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स जो थे, बिकॉज द ईयर ऑफ रिवर्सल वॉज 1911, और 1905 से लेके 1911 के दरमियान में जो रिफॉर्म्स क्रिएट किए गए थे 1909 के अंदर, दैट वाज द मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स, और वो भी जो थे इवेंचुअली वाज बीइंग रिजेक्टेड बाय द हिंदूज। तो ये चीज भी जो थी वो प्लीज नहीं कर पाई हिंदूज को, और इवेंचुअली जो था ब्रिटिश को फिर लीड करना पड़ा रिवर्सल की तरफ। तो मैं कंक्लूजन की तरफ अब जाऊंगा। हबीबा, मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूं कि हम इसको थोड़ा सा इसी टॉपिक को अब कंक्लूड करें कि रिवर्सल हो गया, अब जो है वो तो वो किस तरीके से हुआ, किस तरह से ब्रिटिश जो थे, हमने देखा कि उन्होंने मैयस तो ले लिए और इस मैयस के बावजूद दे वर अनेबल टू हैंडल द हिंदूज। सो हाउ वुड वी विल कंक्लूड इट ओवर हियर। सर, ये थोड़ा लिंक करता है कि रिवर्सल की रीजंस से, जैसे हिंदूज ने अटेम्प्ट किया लॉर्ड मिंटो को असैसिनेट करने का, हाउएवर दे वर अनसक्सेसफुल, बट स्टिल इट वाज सिवियर अटेम्प्ट अनएक्सपेक्टेड बाय द ब्रिटिश. मोर ओवर देर वाज अ कोरोनेशन सेरेमनी इन द सब कॉन्टिनेंट दैट वाज येट टू बी हेल्ड ऑफ किंग जॉर्ज फाइव. तो उसके लिए भी उनके लिए खतरा था कि अगर कोरोनेशन सेरेमनी में वो उनको थ्रेटन कर रहे हैं, और वो फिर एंड दैट वाज एन अटैक टुवर्ड्स ब्रिटिश प्राइड एंड प्रेस्टीज, दैट्स व्हाई. एंड सो फाइनली किंग जॉर्ज अनाउंस्ड, नो एक्चुअली देयर वाज अनदर पर्सन हु एडवाइज्ड द रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन फाइनली आफ्टर कंसिडरिंग, एंड देन इट वाज अनाउंस्ड इन 1911, डिसेंबर 1911. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस हबीबा, फॉर द वेरी प्रिसाइज कंक्लूजन ओवर हियर। यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा इस टॉपिक को अब कंक्लूड करते हैं। ओवरव्यू पे आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि वी हैव स्टार्टेड विद द पार्टीशन के इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने थोड़ा सा इसको शुरू किया था, और उसके बाद वी लीड टूवर्ड्स दैट के वाई पार्टीशन वॉज डन, उसकी तीन रीजन को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि किस किस वजह से द पार्टीशन वॉज बींग डन बाय द ब्रिटिश। Then we lead towards the Muslim views, or then we lead towards the views of Hindus, उनके violent protests, स्वदेशी movement, और फिर British मैयर्स, और eventually reversal। आखिरी point यहाँ पे बस मैं ऐड करूँ और फिर इसको हम conclude करते हैं कि apparently it was look like that a British were basically calling it as their part of policy. They were saying that it was the part of their policy to reverse it. Same thing that they said when they were basically partitioning Bengal as well. That it was difficult to administer, that it was a part of the policy. Same like that, while reversing, they gave the same statement कि it's a part of their policy. और apparently क्या था? Apparently ये था कि वो face ने basically वो handle नहीं कर पा रहे थे उन mass protest को which has been created by the Hindus. So in reality, basically it was a forceful conversion of or forceful reversal of Bengal. Not the part of their policy. They were unable to handle the Hindus, which was basically in a large community at that time. So here we will conclude our topic. I hope that our topic basically we try to convey कि वो help out करेगा हमारे viewers को, जो सारे हैं कि actually उनका थोड़ा सा मेरे ख्याल से lag कर रहा इंटरनेट है नेट, तो चलें नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। मैं यहाँ पे आप दोनों को भी थैंक यू कहूंगा। हबीबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग टाइम टू दिस चैनल, एंड सारिया फॉर योर इंक्लूजन एज वेल ओवर हियर। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। आई होप दैट कि हम लोग जो दो तीन चीजें कन्वे करना चाह रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, ये जो डिस्कशन हम लोगों ने की है बैठ के, तो ये हमारे व्यूज को जो है वो समहाउ किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे मैं अपने व्यूज को बताता चलूँ कि हम अपनी वीडियोस को भी इसी तरीके से जो है वो लेके इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे, और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे फर्दर। एक टॉपिक हमारा आज का था पार्टीशन ऑफ रिवर्सल का। आई होप दैट यू पीपल लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और टू लाइक इट और शेयर दिस वीडियो इफ इट वाज यूजफुल, और अपने कमेंट्स के साथ हम लोगों को जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कितना बेनिफिशियल रहा। Until next video, we'll inshallah meet you people once again. Until then, khuda.